हाँ, जो मैं पहले ही बनाने वाली हूँ ना, वो है ये वाला ब्लूप्रिंट मेरे को मिला था। तो ये स्कोप का एक ब्लूप्रिंट है जिसको मैं अटैच करवा सकती हूँ आई थिंक शॉर्ट घर पे, है ना। मेटल इंगॉट, क्रिस्टल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें देखे बनाते लेते हैं। अब इसको यूज़ करके भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ऑल राइट, दोनों शॉर्ट गन में हम यूज़ नहीं कर सकते, जो कि अपना पाम शॉर्ट गन है ना, सिर्फ और सिर्फ इसमें यूज़ कर सकते हैं इसको। तो देख ही पा रहे हो आप लोग कैसे लाइट मारा है। या रात को अगर शिकार विकार करने जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और आज जो मैं करने वाली हूँ वो है टैंजेंट करने वाली हूँ, जो कि नया आया हुआ है, द एवेन्यू ऑफ लॉस्ट होप, ठीक है ना। तो उसको तो करेंगे, उससे पहले हेलो टेयर्स गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं अरिका आज दोबारा से एक बार फिर से खेल रही हूँ एआर के मोबाइल बोर्टल सीरीज। तो अभी फिलहाल जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो क्या क्या चीज़ें मैंने लिया है, सारी चीज़ें मैंने एक बार दिखा दिया। और इस बार का डंजन पे स्टिम्यूलेंट ज़्यादा करके लेके जाना है, ठीक है ना। बार बार कह रही हूँ स्टिम्यूलेंट ज़्यादा करके लेके जाना, और कैंटीन ऑफकोर्स लेके जाना, क्योंकि पानी का भी ज़रूरत पड़ने वाला है, उतना भी नहीं बट 3-4 लेके जाओगे वही काफ़ी होने वाला है। बट स्टिम्यूलेंट ज़्यादा करके लेके जाना, अगर आर्मर वगैरह अच्छा नहीं है तो 100 जैसे स्टिम्यूलेंट को लेके जाना, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं तो जाने वाली हूँ डंजन पे। इस बार के डंजन के लिए 0 लूट लगने वाला है, आई मीन 0 एम्बर लगने वाला है। और इस बार के डंजन में टेक केबल प्रोसेसर मिलने वाला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब क्या ही बोले, फाइनली इधर पे टेक केबल प्रोसेसर दिया गया हुआ है, जो कि मैं बहुत दिन से वेट कर रही थी कि कब मुझे भी मिले। तो इस बार मिलने वाला है टेक केबल प्रोसेसर। तो चलो फटाफट से अंदर चलते, और पहला रूम पे मैं तो पहुंच चुकी हूँ, एंड लेट्स सी इस वाले रूम पे। ओके, इग्निटर है, ऑलराइट, बट कुछ ज़्यादा ना बड़ा दे दिया इस बार भाई साहब, काफ़ी, सॉरी यार इग्निटर ने, स्टीगो, मैं भी मतलब भूल चुकी हूँ, मतलब नाम बम ना गुला देती हूँ कभी कभार, मतलब भूल जाती हूँ कि कौन सा नाम है कौन सा नहीं, बार बार भूल जाती हूँ, सॉरी। तो चलो फटाफट से इन लोगों को मारते हैं यार, ये वाला रूम को फटाफट से कंप्लीट कर दे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डैमेज तो दे रहा है भाई साहब, खतरनाक तरीके से। इन लोगों का पुच्छी है ना, पुच्छी से इतना ज़ोर से मारता है, बट बाकी भाई इधर पर घेर लिया था। तो चलो कोई नहीं, इसी के साथ ये वाला एक राउंड तो कम्प्लीट हो चुकी है, अभी सेकेंड राउंड भी स्टार्ट होने वाला है। तो आ जा भाई, जल्दी आ जा। तो अभी इधर पर भाई एक ही दिया है क्या इस बार, आई थिंक एक ही दिया है यार, और तो नहीं दिख रहा है, एक तो देना नहीं चाहिए। ओके ओके, आजा आजा जल्दी आजा। और इधर पे साउंड कैसे कट गया यार। तो चल, ओ भाई भाई भाई, इसके पीछे ही था भाई सा, मेरे को दिखा नहीं। ओके, तो इसको भी चलो मारते हैं भाई, हट जा यार, इतना ज़्यादा अगर माथे के ऊपर चढ़ जाएगा भाई। तो चलो इधर पे ये वाला भी ख़त्म, अभी थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है। फिर से एक बार तीन तीन इधर पे स्टीगो को दिया गया हुआ है, तो बराबर से इन लोगों को भी आने देते। आजा भाई जल्दी आजा, जल्दी इधर से निकल जा भाई। भाई भाई कैसे आ रहा है, इधर से भागना पड़ेगा भाई, बहुत मार रहा है यार। ओ शिट यार, इधर पे खतरनाक तरीके से मार रहा है, सीरियस बताऊँ तो बहुत ध्यान रख के आना, क्योंकि बहुत मार रहा है सीरियसली। और इधर पे और दो ही बचा हुआ है, तो फटाफट इन दोनों को भी मारते हैं। चल मर जा यार जल्दी से भाई, रिलोड रिलोड रिलोड, भाई भाई भी मुँह के सामने आ गया। चलो 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 भाई, बहुत बड़ा रूम है, ऐसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो भाई तुम मर जाओ यार, चलो ख़त्म। अभी लास्ट राउंड एक ही बचा हुआ है, उसके बाद ये वाला रूम भी कंप्लीट, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें मिलने वाला है इस बार। तो ओ भाई 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 भाई, पीछे का हाथ से आ गया भाई, इधर से एक तरफ से करने जाओ ना, दूसरे तरफ से आ जा रहा है। बाकी उधर पे क्या कर रहा है तीनों यार, उधर पे क्या देख रहे हो भाई, उधर पे कुछ नहीं है, हम तो इधर पे। ऑलराइट, इधर पे एक तो चला गया, अभी बस दो ही बचा हुआ है, अभी दोनों को भी मारेंगे ना तो ये भी ख़त्म, ठीक है ना। तो चलो एक तो और गया, अभी बस लास्ट वाला बचा हुआ है, बस मर जा तो चलो ख़त्म। इसी के साथ ये वाला रूम भी कंप्लीट जाती है। अभी चलो सामने की तरफ चलते हैं, सेकंड वाला। और ये वाला डंजन ना थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि बहुत सारे इधर पे ना, मतलब क्या बोले कि गुगली टाइप्स के होने वाला है, क्योंकि जहाँ पे मतलब मैं सारे कुछ दिखाने वाली हूँ कहाँ पे क्या चीज़ मिलने वाला है वैसे। तो चलो अभी सेकंड वाला रूम के अंदर तो आ चुकी हूँ मैं, अभी इस बार देख लेते कौन सा इस बार देने वाला है क्या। ओ अच्छा 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 भाई, मेरे को लगा पहले पैराशूट वाला रूम है, बट नहीं यार, ये तो इधर पे गिगन टोपी तरीका से। तो चलो ये तो मर गया, इसका लेवल 345 थी, बट इसका हेल्थ इतना ज़्यादा नहीं थी तो बहुत जल्द जल्द मर जाती है। तो चलो अभी सेकंड वाले को भी मारते हैं, ये भी इजी पीजी वाला रूम है भाई, नहीं है यार, सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई यार, गलत बोल दिया मैंने। इजी लग तो जाती है बट इतना मार खाती हूँ ना मैं कभी कभार कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इसको भी चलो मारते, इसका 8960 जैसे हेल्थ लेवल है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा। तो चलो सेकेंड वाला भी खत्म, अभी बस वेट करते हैं। और थर्ड वाला कहाँ पे, ओके वो देखो आ रहा है, तो इसका 12,000 जैसे है। तो चलो फटाफट से मारते हैं और इसको भी इधर से हटाते हैं, ठीक है ना। तो चलो अभी आ जा यार, जल्दी जल्दी आ जा भाई सा। तो चलो ये भी खत्म, अभी अभी लास्ट, चलो ये अगर मर गया तो खत्म। ओ भाई सा, इसका 19,000 है इस बार। चलो 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 भागो यार, इधर से तो भागना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है ना, काश इन लोगों को हम टेम कर सकते, बट मेरे पास ऑलरेडी एक है आप लोगों को भी पता है, बट इधर से हम लोग नहीं ले सकते।
सेम ब्रांड वैसे। तो चलो अभी, ओ शिट 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 शिट, नहीं 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 गलती 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 भाई, माफ़ी दे दे भाई, गलत भाई, ये गलत तरीके से मेरे ऊपर चढ़ चुका था। ओके फाइनली ये वाला रूम भी बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट करते हुए मैं तो जा रही हूँ आगे की तरफ। और ये है, इसमें देख लेते हैं फैसिलिटी की वाला रूम है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देख लिया कौन से रूम से आप लोगों को फैसिलिटी की वाला जो रूम है वो कहाँ से मिल सकती है। और अभी ये वाला तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो ऐसे वैसे ही आप लोग ऐसे ही क्रॉस कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो चलो अभी आगे की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं इधर पे और कौन सा रूम है। बाकी मुझे इधर पे फैसिलिटी की वाला रूम तो मिल चुकी है, बट इधर से अगर आप लोग घुस जाओगे ना तो नीचे ना उस साइड और एक रूम है जो कि माइनस हो जाती है, बट वो मैं बाद में करके दिखाती हूँ। पहले इधर पे आ जाते हैं और ये वाला रूम को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए और एक डंजन रूम के बाहर तो आ चुके हैं, लग तो रहा है ऐसा ही है। और इधर पे मैं सूप वगैरह फटाफट से पी लेती हूँ और चलो अंदर चलते हैं, देख लेते इस बार कौन सा वाला एनिमल देने वाला है। आज ओहो ये भाई साहब, इस बार चैलिकोट्रियम वाला रूम है। तो चलो अभी जो बोल रही थी मैं कि इस बार बहुत सारा स्टिम्यूलेंट का लेके आना, क्योंकि इस बार जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि इधर पे भयानक तरीके से डैमेज देने वाला है आप लोगों को, मतलब आप लोगों का टॉर्पर बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना और बहुत सारे स्टिम्यूलेंट का लेते आना, और ध्यान रखना अपना टॉर्पर के ऊपर बहुत अच्छे से। अगर वो बढ़ गया ना इनकेस, तो आप लोग इधर पे मरोगे 100%, ठीक है ना, कोई नहीं बचा सकता है आप लोगों को। और सेव करके गेम खेलना, रिस्टोर कर लेना जरूरत पड़ने पे आप लोगों की, आप लोग मरने मतलब मर ही सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो अभी फटाफट से इन लोगों को मारते हैं। बाकी ये तो अटक गया है, देख ही पा रहे हो, इसको तो मार दिया इजी पीजी। अभी चलो इसका इम्प्लेंट वगैरह अगर आप लोगों को चाहिए तो ले लेना, मेरे को तो चाहिए ही होता है। तो चलो अभी फटाफट से सेकंड वाला राउंड भी स्टार्ट हो चुकी है, अभी इन लोगों को भी मारते हैं। चलो फटाफट से देखो इधर पे तो आ गया भाई, चल मर जा। ओ ओ शिट शिट शिट, मतलब माथे के ऊपर चढ़ जाता है ना, यही मेरे को अच्छा नहीं लगता है। ऑलराइट यार, इधर से भाग तो आ चुकी हूँ, बट लग तो नहीं रहा है भाग पाऊंगी ज्यादा देर तक। ये जो अपना ईंट ना क्या मिट्टी मतलब मार रहा है भाई, गलत तरीके से मार रहा है देखो। और ऊपर से मेरा रिलोडिंग भाई अलग लेवल का रिलोडिंग में चला जाता है कभी कभार। और इधर पे हेल्थ भी देखो काफ़ी ज़्यादा घटा चुका है, और ऊपर से स्टिम्यूलेंट खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ जाती है, उसका ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए सेकंड राउंड भी ख़त्म, अभी थर्ड राउंड भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी इन लोगों को मारना थोड़ा सा ट्रिकी होगा, क्योंकि इस बार का हेल्थ थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। अभी देखो इधर तक तो हो चुकी है, अभी सामने से ये भी आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज देने वाला है, जिसको अब लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब खतरनाक तरीके से डैमेज देने वाला है, ठीक है ना। तो अभी देखो ये भी ख़त्म हो चुकी है इसी के साथ, अभी लास्ट वाला देखो इधर पे बचा हुआ है। तो मेरे तो इधर पे भाई साहब खतरनाक तरीके से डैमेज दे रहा है, तो भाग भी रही हूँ, बट इन लोगों से बचेंगे कैसे यार। ये लोग जो अपना जो मिट्टी का ये थ्रो करता है ना, उससे ही बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, ऊपर से टॉर्पर भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जा रही है सीरियसली। तो अभी देखो फिर से मार दिया यार, मैं तो बचने की कोशिश भी करती हूँ ना, तो भी बच नहीं पा रही। ओके फाइन, तो अभी देखो इसका बस ख़त्म हो ही चुका है, इसी के साथ ये वाला तो हो जाती है। बट इधर पे मैंने सारे आर्मर्स वगैरह फिर से एक बार चेंज कर लिया, क्योंकि मेरा आर्मर्स पूरा खराब हो चुकी थी, मतलब मीडियम हेल्थ के नीचे आ चुकी थी, तो इसलिए मैंने सारे चेंज कर लिया। आप लोग भी चाहे तो चेंज कर लेना। तो अभी देखो फिर से मार रहा है, देख रहे हो ना कैसे मारता है भाई, हाथ से पैर से मुँह से कैसे भी मार देता है ये लोग, मतलब कुछ भी यार, बहुत ही खतरनाक तरीके से डैमेज दे रहा है। फिलहाल के लिए मैंने तो इधर पर देखो बहुत ज़्यादा डैमेज तो देते जा रही हूँ, बट ये वाला रूम को थोड़ा सा कंप्लीट करना थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि सच में ये वाला रूम थोड़ा सा डिफिकल्ट है सीरियसली, मतलब जितने भी सारे रूम है ना उनमें से ये वाला रूम थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है इस बार, ठीक है। तो अभी चलो फटाफट से इधर पे आ तो चुके हैं, बट अभी मर तो जा भाई, इतना टाइम ले रहा है भाई मरने के लिए। तो चलो अभी ख़त्म, चलो एक तो ख़त्म हो गया भाई, फाइनली इतने देर में एक ख़त्म हुआ, समझ रहे हो ना। अभी चलो लास्ट इधर पे जितना भी सारा बचा हुआ है, तो चलो फाइनली देखो इसको भी मार दिया मैंने। तो चलो भाई सब ख़त्म, तो सेकंड भी ख़त्म, अभी बस लास्ट वाला हो जाए तो ये वाला रूम भी ख़त्म हो जाएगा यार। तो चलो अभी फटक से इधर से चलते हैं, और स्टिम्यूलेंट को खाते रहना भूलना मत इस चीज़ को, और पानी भी साथ के साथ ही। चल ख़त्म हो जा भाई जल्दी, चलो ख़त्म। तो इसके साथ ये वाला रूम भी चलो कंप्लीट हो जाती है। अभी चलो सामने की तरफ चलेंगे और देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इधर पे बाकी है, ठीक है। तो अभी इधर पे सामने तो आ चुकी हूँ, अभी देखो अंदर में स्टिम्यूलर खा रही थी, हो नहीं रहा था पता है, फिर जाके जैसे ही बाहर आके खाया उस टाइम में काम कर रहा था, मतलब कौन सा ग्लिच में काम कर रहा है इस बार यार, के मेरे को समझ नहीं आ रही है सीरियसली। तो अभी देखो ये वाला और एक रूम है, पता नहीं, हाँ ये और एक रूम है भाई साहब, इसके अंदर कौन सा जानवर आने वाला है वो तो पता नहीं। बाकी सीरम मिला था मुझे दो, तो मैंने इधर पे एक भी लिया, ठीक है ना। तो चलो अभी देख लेते कौन सा रूम है, पता नहीं कौन आने वाला है। तो अभी इधर पे ओके यार, फिर से ये वाला गेंदे को दे दिया यार, मेरे को ये वाला गेंदे एकदम पसंद नहीं आता है। फिलहाल मैं तो यूज़ करने वाली हूँ शॉर्ट गन को, तो लेट्स सी कि कितना देर में मरता है ये लोग। अभी चलो यार मर जा,
चलो एक तो गया, अभी और दो बचा हुआ है इधर पे। ऑलराइट, तो इधर तक तो भाई सा, आजा आजा जल्दी आजा भाई जल्दी आ। तो चलो ये इधर पे, भाई 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 मुंह के सामने आ गया यार। दिस इज बैड ब्रो मैन। नहीं 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 नहीं, सामने अगर आ जाए ना तो शॉर्ट को ही निकालना पड़ता है भाई। तो शॉर्ट से तो अभी मैं चलाने वाली हूँ, आई होप कि ये जल्द से जल्द मर जाए। तो अभी देखते हैं भाई साहब, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ओह नो वे मैन, ये हो कैसे सकता है भाई? एक सेकेंड एक सेकेंड, ड्यूड नो वे मैन, इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से ये लोग मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं ना कि भाई साहब, इधर भी मेरे को लग रहा है मैं अभी मरने वाली हूँ। सीरियसली इस बार भाई खतरनाक, देखो मेरा आर्मर वगैरह ये खा जाएगा यार, ये जैसे मार रहा है मेरे को। यार नहीं यार, ऐसे नहीं कर सकता यार, ये लोग गलत सीन कर दिया इस बार। पाँच ही आर्मर लेके आई हूँ मैं बस। भाई हट जा यार, क्यों कर रहा है भाई ऐसे मेरे साथ यार, मर तो जा भाई। चलो खत्म खत्म, अभी लास्ट वाला देखो बूस्ट करके आ रहा है। चुड़ैल का ही कहा बूस्ट करके आता है, तू बूस्ट करके आएगा मेरे सामने, तू बूस्ट करके निकल इधर से। तो चलो मर ही गया, बस खत्म यार। अभी देखो लास्ट वाला तो बचा है, बट उससे पहले मैं फटाफट से इधर पे आर्मर वगैरह को चेंज कर लेती हूँ। एक तो एटलीस्ट लेके जाने देगा, लग नहीं रहा है इस बार मैं फाइनल रूम तक जाने तक, मतलब लग तो रहा है मेरा सारे आर्मर खा जाएगा इसको। भाई इधर पे देखो कितना ज़्यादा बूस्ट मारता है ये लोग खतरनाक तरीके से। इस बार कुछ ज़्यादा ना दे रहा है, जब भी डंजन आ रहा है यही वाला जानवर को भेज दे रहा है बार बार। पूरे यार के मैं इतने ज़्यादा जानवर ये बट नहीं, इसको ही देना है। बाकी फिलहाल के लिए मेरा हेल्थ इधर पे बहुत ख़राब हो चुकी है, मैं तो इधर पे खड़े होकर थोड़ा सा हेल्थ वेल्थ को ठीक करने वाली हूँ। तो थोड़ा बहुत ठीक तो कर लिया, बट इस बार देखो फिर से दे दिया। तो इस बार मैं शॉर्ट गन को यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि इसके रफ्तार से मेरा रफ्तार बहुत ज़्यादा है, तो जिस कारण कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। मैं अगर दूर दूर पर रह के इन लोगों को मारूंगी तो बहुत जल्द ये लोग खत्म जाएगा। तो मैं इधर पे बहुत दूर पे डिस्टेंस मेंटेन करके इन लोगों को मारने वाली हूँ। तो मेरा हेल्थ भी देखो ऐसे करते करते मेरा हेल्थ भी फुल हो जाती है। बहुत मारा, बहुत दौड़ा, बहुत भागा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि मैंने भागा नहीं है। तो भागते भागते देखो मेरा हेल्थ भी देखो इधर पे पूरा हो चुकी है। और लास्टली ये देखो बहुत ज़्यादा, मतलब ये लोग आ भी रहा था और मैंने इधर पे फाइनली सबको मार के इधर पे ख़त्म कर दिया। अभी देखो बाहर भी आ चुकी हूँ। जैसे ही आती हूँ इधर पे बहुत सारे पानी का लोकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। तो जैसे जैसे मिलेगा आप लोग अपना बाटली वगैरह लेके आना, चार पांच या फिर तीन चार लेके आना, वो सारे को भरते भरते जाते रहना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी। फिलहाल के लिए मैं फिर से एक बार आ चुकी हूँ, और उससे पहले मैं पहले कपड़ा वपड़ा चेंज कर लेती हूँ। आई होप कि लास्ट डंजन रूम पर जाने के टाइम मेरे पास एटलीस्ट एक कपड़ा बचे। लग तो नहीं रहा है कि बचने वाला है। फिलहाल मैं सूप वगैरह पी चुकी हूँ और ये और एक डंजन रूम है, तो लेट्स गो चलते अंदर और देख लेते हैं कि क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो अभी देखो अभी तक तो कुछ नहीं दिख रही है, बट लिखा हुआ है ट्रोडन रहेगा और पेगामोस्टॉक्स रहेगा, है ना? तो चलो मारते हैं सबको। बट लग तो रहा है कि ट्रोडन, ओके 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 समझ गया, एक ही ट्रोडन है और बाकी पेगा हिर है ना। तो इसका कारण यही है कि ये पेगा को, सॉरी ये ट्रोडन को हम लोगों को पहले मारना पड़ेगा, फिर ही जाके मैं इधर पे ये पेगामोस्टॉक्स को क्लियर कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऑलराइट, तो पहले इसको मारेंगे, बट इधर पे मैं शॉटगन को ही चलाने वाली हूँ। तो बहुत आसान तरीके से उसको, उसके मतलब थोड़ा बहुत मार खाया मैंने, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है इतना। और इधर पे कॉर्नर पे आ जाना उसके बाद, क्योंकि ये सारे लोग एक नंबर की चोर है। अगर कॉर्नर पे आ जाओगे ये खुद ही आपका बैग लेके आ जाएगा, फिर इसको मार लेना। मार के इन लोगों से आपसे, मतलब जितना भी सारा बैग्स वगैरह है उनसे आप लोगों को सारे लूट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल देखो इसको मारा, सबको मारा इधर पे खत्म सारे के सारे। अभी सबको मारो, मार के इन लोगों से सारे लूट ले लो। देख ही पा रहे हो सारे के सारे एक नंबर की चोर है, ठीक है ना? देखोगे देखो, तो अभी देखो इसने मेरा खाना चोरी किया, इसने भाई क्या टट्टी चोरी किया, छी बे। और इसने चलो हीलिंग ब्रू, और इसमें भाई चलो ठीक है, चलो चलता है। और इसमें भी देख लेते, चलो अभी ओके, इसने भी हीलिंग ब्लू चोरी किया था। और इसने क्या चोरी किया था देख लेते हैं भाई साहब। सही है, तो चलो अभी देखो इधर पे ना सारी जगह घूमते रहेगा, आप लोगों को एक जगह नहीं मिलेगा, ठीक है ना? घूम घूम के आप लोगों को सारे पेगा को मारना पड़ेगा, ठीक है ना? देखो ये देखो इधर पे क्या कर रहा है, तो इसको भी चलो मार दिया। मतलब ऐसा लगेगा कि सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे रूम पे पेगा मोस्टर सारे जगह पे एकदम रहेगा, तो आप लोगों को बस ढूंढ ढूंढ के सभी को मारना पड़ेगा। जैसे जैसे मारते जाओगे, जैसे कि देखो ये लास्ट वाला था तो ये इधर पे बैठा हुआ था, तो मैंने ढूंढा, ढूंढने के बाद इसको मारा, जैसे ये वाला थ्रेड भी कंप्लीट हो चुकी है राइट में देखो। तो चलो अभी देखो सारे वायलेट कलर की हो चुकी है। अभी देखो ये वाला रूम पे मेरे को जाना है, ठीक है ना? अच्छे से देखना, अभी इसमें जाने के लिए मेरे को ऐसे क्राउच होना है, बस क्राउच होके इस वॉल के एकदम साइड से आप लोगों को निकल जाना है। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आराम से निकल जाओगे, बस क्राउच होके रहना, बिल्कुल इधर पे खड़े मत होना, तो फिर भाई इधर पे दावा जाओगे। तो अभी देखो इधर से मैं बहुत ही आसान तरीके से इधर से निकल चुकी हूँ। अभी इधर पे जैसे ही आती हूँ ना, ये वाला रूम को देखो, ये वाला रूम पे, ये वाला रूम, ठीक है? तो ये वाला रूम पे जैसे ही आओगे, ये एक रूम है जो कि आप लोग अगर चाहो तो कर भी सकते हो, ना चाहो तो मत करो, ठीक है? कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप लोग चाहो तो करो, ना चाहो तो मत करो, उसमें
इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इसको स्किप भी कर सकते हो अगर नहीं करना है तो, ठीक है ना। बट करोगे क्यों? क्योंकि ये वाला रूम करोगे ना आप लोग, तो आप लोगों को मिलेगा टेक का चीज़ है, ठीक है। ये वाला रूम को कंप्लीट करने के बाद ही वो दो बॉक्स पे आप लोग जा सकते हो, जिसमें से एक में टेक बॉक्स रहेगा, ठीक है, टेक का चीज़ रहेगा। अगर आप लोगों का टेक का शौक है तो आप लोग इस रूम को कर लेना, और इस रूम को करने के बाद ही आप लोग को मिलेगा। बाकी पार्लो भैया रहेगा, पार्लो भैया तो उसको ही पहले मारना पड़ेगा। अगर उसको मारोगे तभी आप लोग ये जो चूहे है, चूहे टाइप्स का जो कैस्ट्रॉयड है, इस लोगों को मारोगे तो थ्रेड कंप्लीट होगा, ठीक है। तो पार्लो भैया का तो मार दिया, अभी उसके बाद चलो कैस्ट्रॉयड वगैरह को मारते हैं, उसके बाद ही ये वाला रूम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो फटाफट से मारते हैं और ये वाला रूम को भी कंप्लीट करते हैं। फिलहाल के लिए सभी को तो मार दिया, चल मर जा भाई। तो चलो ये भी खत्म, और दो ही बचा हुआ है। तो चलो आ जा आ जा आ जा जल्दी आ जा, बहुत ज़्यादा काटता है यार, छोटे छोटे दांत है तो क्या हुआ भाई, बहुत ही ज़्यादा इधर पर घायल कर देगा आप लोगों को। तो चलो आ जा यार, इसको शॉटगन से ही उड़ाएंगे हम। चलो बाबू अभी जाओ इधर से। तो यही वाला देखो, यही टेक बॉक्स की बात कर रही थी, मतलब यही वाला बॉक्स से आप लोगों को कोई भी टेक का चीज़ें मिलेगा। देखो मेरे को टेक डोर फ्रेम मिला, तो आप लोगों को अगर चेंज करना है तो चेंज कर लेना, रिस्टोर कर करके कुछ भी चाहिए तो आप लोग इधर से कर सकते हो। तो उसके बाद ये इधर पे देखो, ये वाला और एक ही इधर पे चेस्ट बॉक्स मिलेगा, ठीक है। और इधर पे देखो ये वाला जगह, ठीक है, अच्छे से देख लेना। इधर पे आप लोगों को फीचर लूट मिलने वाला है, जहाँ से मिलने वाला है ट्रेक केबल प्रोसेसर, ठीक है, मिस मत करना इस बार। ये देखो ये येलो वाला, देखो येलो वाला पॉइंटर यहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो यही वाला पे मिलेगा आप लोगों को टेक केबल प्रोसेसर। गेम को सेव कर लेना इसको खोलने से पहले, और अगर नहीं मिलता है तो फिर बार बार रिस्टोर करके उसको फिर से करना, ठीक है। और इधर पे मैं दौड़ के तो आ जाती हूँ, बट इसको दौड़ के मत आना क्योंकि इधर पे देख ही पा रहे हो ये वाला वॉल है, बस क्राउच करके आ जाना, ठीक है। तो अभी देखो ये बॉस वाला रूम पे मैं आ चुकी हूँ, अभी फिलहाल के लिए इधर पे सब कुछ पी लेते हैं, उसके बाद वीकली डंजन को ऑन करेंगे और फिर घुस जाएंगे, ठीक है। गेम को सेव करके खेलना, सभी लोगों को बोल रही हूँ भाई सब गेम को सेव करके खेलना, नहीं तो मार खाने वाले हो बहुत ज़्यादा। तो चलो अभी इधर पे चलते हैं, एंटर करते हैं बॉस वाला रूम पे और देख लेते इस बार कौन सा बॉस है। गुला बीटल, यार गुला बीटल देगा, इसमें तो गुला बीटल ही आता है, और तो कोई जानवर रहता नहीं है, तो अच्छी बात है यार, सबसे इजी बीजी है यार गुला बीटल मारना। जितने भी सारे बॉस है ना, उसमें से सबसे बड़ा गधे बॉस यही रहता है, सीरियस बता रही हूँ। जितना भी मतलब मीडियम हो, हार्ड हो, कुछ भी हो, भाई गुला बीटल आ जाए तो भाई दिन ही अच्छा हो जाती है सीरियसली। तो चलो फटाफट से मारते हैं इसको, मारना मैं क्या ही दिखाऊँ, ये तो सभी को मारना आता होगा इसको। बस घुमाते रहो कोई भी मशरूम ट्री के पास पास, गोल गोल करके घुमाओ, फिर ये जकड़ जाएगा। जैसे ही जकड़ जाएगा आप लोग आसानी से मार दोगे, जैसे देख ही पा रहे हो मैं इसे घुमा ही रही हूँ। अभी जैसे जैसे ये अटक जाएगा ना, एक बार बस इसको अटक जाने दो, फिर जाके तो आसान है, एकदम इजी पीजी आप इसको मार दोगे। इतने बड़े बड़े मशरूम ट्री दिख रहे हैं ना, बस इसको बस घुमाते रहना इसके पास। जैसे कि देख ही पा रहे हो मैंने इसको घुमाया तो अभी फिर से स्टाक हो गया इधर पे, और ये खड़े खड़े मारा जाएगा। यार इतना आसान है ये वाला रूम करना, सीरियसली। तो चलो इसी के साथ ये वाला रूम भी कंप्लीट हो जाती है और ये बॉस भी मारा जाता है। और इधर पे चलो इसको मार के थोड़ा चिटिन बिटिन मिल जाएगी। इधर पे मैंने 25-25 इधर पे मेरे को एलिमेंट भी मिल चुकी है। अभी वेट में बिल्कुल नहीं करने वाले, सीधा डायरेक्ट इधर से मैं टेलीपोर्ट हो जाने वाली हूँ अपना बेड पे, ठीक है, जहाँ पे मैंने पिटोनडन को रख के आया है। तो चलो फाइनली मैं तो आ चुकी हूँ और मैं दिखा देने वाली हूँ इस बार मेरे को क्या क्या चीज़ें मिला। ये सारे चीज़ें मिला, उतना भी खास चीज़ें नहीं मिला। और इधर पे टेक केबल प्रोसेसर मिला, जो कि बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ ही मतलब लेने के लिए मैं इस बार ये वाला डंजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था इस बार भी। तो चलो आज के लिए मैं बस इतना ही रखती हूँ। होप यू गाइस आर रियली एंजॉयड माय वीडियो। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, आज अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल एक नए से गेम प्ले, कुछ भी खेलेंगे, चलो नेक्स्ट गेम प्ले के वीडियो को लेके। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।